मंका मशीन के आज के इस वीडियो में जानते हैं राजकोट से खरीदी हुई मशीन आप तक पहुंचते हुए ट्रांसपोर्टेशन में कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करती है और आप तक पहुंचते हुए कैसे वो डैमेज होती है। गुजरात के राजकोट से मशीन की खरीद करते वक्त, कीमतों में तोल मोल करते वक्त, सांप और नेवले की तरह झगड़ा करते हुए कस्टमर और मैन्युफैक्चरर मशीन को डिस्पैच कर देने के बाद कैसे बेफिक्र हो जाते हैं और उनके साथ क्या होता है, ये अगर जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण है। मैंने जब राजकोट के रास्तों के ऊपर मशीन को डिस्पैच होते हुए देखा तो उनके ऊपर लगी हुई प्लास्टिक की पतली परत को देखकर ऐसा लगा कि बारिश के इस मौसम में तो ये बिल्कुल ही कस्टमर तक सही सलामत नहीं पहुंच पाएंगे। और मशीनों का लेसिंग भी प्रॉपर नहीं था। कोई मजदूर जब इसके ऊपर लेसिंग करता हुआ मुझे दिखा तो शायद ही उसे मालूम हो कि कौन से पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा कस के लेसिंग करने से उसकी एक्यूरेसी बिगड़ सकती है। मशीन की पैकिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे उसका लेसिंग करना चाहिए और कैसे कस्टमर के पास वो सही सलामत बिना जंक लगे, बिना किसी स्पेयर के ऊपर एक्यूरेसी खराब किए वो पहुंच सकता है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आगे भी। बंका मशीन राजकोट का इकलौता ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो कस्टमर की मशीन को कस्टमर के दरवाजे तक सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है और अगर उसमें टूट फूट होती है तो वो उसे बदली करके नई भी दिलाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मशीन को कैसे पैक किया गया है और कैसे डिस्पैच किया जाता है, मशीन को लोरी में कैसे लेसिंग किया जाता है जिससे कि उसके पुर्जे इंडिया के ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी अपनी एक्यूरेसी बनाए रखे। अगर हम मशीन को हमसे 2000 किलोमीटर दूर लोरी में डिस्पैच करके भेज रहे हैं तो उसे डिस्पैच करने से पहले कैसे पैक करना चाहिए वो भी आप यहाँ इस वीडियो में देख रहे हैं। बंका के कुछ वर्कर मशीन को प्लास्टिक में व्रैप करके उसके ऊपर कोरोगेटेड बॉक्स लगा करके और कई जगह पे उसमें आई बोल्ट लगा के लेसिंग करने की जगह तय करते हैं। तो जी, मशीन को पैक करके डिस्पैच करने से पहले हर एक मैन्युफैक्चरर को इसके 25% पुर्जे खोलने होते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ आपका इकलौता मशीन तो डिस्पैच नहीं हो रहा है, उसके आजू बाजू में जो चीज़ें रखी गई होती है उसमें डैमेज होने के चांस हो, ऐसे डेलिकेट पार्ट को खोल दिए जाते हैं, उसे वुडन की बॉक्स में पैक किए जाते हैं और उसमें भी ख्याल ये रखा जाता है कि वो किसी भारी पार्ट के बाजू में ना रखा हो। फाइनली मशीन को जब लोरी के ऊपर रख दिया जाता है तो वो लोरी में कौन सी जगह पे रखा जाए ये भी जरूरी है। हम बंका में मशीन को ड्राइवर के पास लोरी में सबसे आगे मशीन को रखने की ट्राई करते हैं जिससे मशीन कम डैमेज होता है, क्योंकि जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो मशीन आगे सरक नहीं सकता। बंका मशीन की इस YouTube चैनल पे 250 से भी ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।